प्रदेश में स्कूल शिक्षा के हाल देखना हो तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके उदाहरण राजधानी भोपाल में ही एक नहीं कई मिल जाएंगे। वीवीआईपी इलाके राजभवन से सटी रोशनपुरा बस्ती में स्थित शासकीय नवीन शाला जर्जर हालत में है। यहाँ एक ही कमरे में 5 कक्षाएं लगती हैं। भोपाल के रोशनपुरा स्थित शासकीय नवीन शाला जर्जर हालत में है। आपको बता दें कि इस स्कूल में एक ही कमरे में 5 कक्षाएं लगती हैं। पहली से 5वीं तक के बच्चों को साथ पढ़ाया जाता है। इस स्कूल के प्रिंसिपल को मिलकर कुल 7 शिक्षक ही इस स्कूल में हैं, जिनमें से आधे शिक्षक ज़्यादातर छुट्टी पर रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 76 बच्चे एक ही क्लास में एक साथ बैठकर सभी क्लासों की पढ़ाई करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाते होंगे। एक और तो सरकार सीएम राइज स्कूल बना रही है और शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन वहीं सरकारी स्कूलों की हाल बेहाल है। वहीं जब क्षेत्रीय विधायक ने इस स्कूल का दौरा किया तो जर्जर भवन को ठीक करने का आश्वासन दिया। इस विषय में समाचार पत्रों में भी जानकारी छपी है। माननीय मानव अधिकार आयोग जी ने भी कहा है कि इस स्थान को स्कूल की शिक्षा के योग्य बनाया जाए। यहाँ अभी शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं, नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ हैं। कुछ चीजें ऐसा सबके राय से बनी है कि हम इस स्कूल पे एक तो पार्टीशन करा दें, क्योंकि पहली से लेकर 5वीं तक के इस स्कूल में कुल 70 बच्चे हैं और 7 टीचिंग स्टाफ है, तो उसको 2 और 3 सवेरे 7:30 से 11:30 और 12 से 5 ऐसा करके 2 किश्तों में 2 क्लासेस सवेरे और 3 क्लासेस दोपहर में, या 3 क्लासेस सवेरे और 2 क्लास दोपहर में, ऐसा करके हम इसका निराकरण तत्काल लागू करेंगे। साथ ही जब अगर हम इस स्कूल को किसी और स्कूल में मर्ज करेंगे, राजभवन के स्कूल की जहाँ बात आ रही है, तो रोड पार करके जाना है, दुर्घटना का डर हमेशा बना रहेगा। जो बच्चे यहाँ तक आते हैं वहाँ नहीं जाएंगे तो शिक्षा भी प्रभावित होगी और जो सरकार का मिशन है वो भी प्रभावित होगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से नगर निगम के आयुक्त को बात करके ऊपर जो जहाँ से पानी गिरता है उस शीट को बदलवा करके तत्काल अभी के क्लासेस प्रभावित नहीं हो, और जब अनुकूलता होगी छुट्टियों के समय में फिर इस स्कूल के जीर्णोद्धार की अर्थात नए भवन के बनाने की बात भी नगर निगम प्रशासन से बात करके और शिक्षा विभाग से बात करके इसका एक सॉल्यूशन, मजबूत सॉल्यूशन निकाल देंगे। दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्षद का ये आरोप है कि इस स्कूल के लिए जो फंड आता है वो नगर निगम कहीं और खर्च कर देता है। स्कूल में बहुत सारी कमियां हैं, इस स्कूल के पंखे बंद हैं, बच्चों को पानी पीने के लिए ग्लास नहीं है और मध्याह्न भोजन में बासी रोटियां दी जाती हैं। अब देखना ये होगा कि इन अनियमितताओं को सरकार कब तक पूर्ण कर पाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर एक ही स्कूल में 5वीं क्लास तक स्कूल है और यहाँ पर 5वीं क्लास तक एक ही रूम के अंदर क्लास लग रही है और ये नगर निगम की बड़ी नाकामयाबी है। 2 साल से लगातार जब से पार्षद बने कई पत्र लिख चुके, शिक्षा अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनको भी पत्र भेजा गया था क्योंकि नगर निगम ने शिक्षा उपकर का पैसा मुख्यालय निधि के अंदर अटैच कर लिया था, तो शिक्षा अधिकारी से परमिशन या उनको बताने के बाद यहाँ पर कुछ भी विकास कार्य होता। और लगातार कम से कम है ना 2 हफ्ते से हम लगातार बोल रहे हैं कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर बुक्स बांटने, तब से लगातार हमने इनको पत्र दिए, नगर निगम के अंदर टीना मैडम को बताया, कमिश्नर को बताया और संबंधित इंजीनियर को बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। फिर कल हमारी जोन समिति की मीटिंग थी और हमारे जोन अध्यक्ष को हमने बताया और विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे समनानी जी, उनको ये बात पहुंचाई तो आज वो यहाँ पर आए और हम लोग सब यहाँ पर आए हैं कि बच्चों का शिक्षा के और जो हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।